हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन वन है द टेंथ टर्म ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ पे टेंथ टर्म निकालना है एपी का। तो टेंथ टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए का वैल्यू यहाँ से 5 ले लेंगे, डी का वैल्यू इन दोनों को घटा लेंगे 8 माइनस 5 दैट मीन्स कि 3। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो टेंथ टर्म निकालना है यानी कि 10 पुट करेंगे, तो 10 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 9d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए प्लस 9d हो गया। ए और डी का वैल्यू पुट कर ले और जो भी आएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन टू है इन एन ए पी, ए का वैल्यू दिया गया है, डी का वैल्यू दिया गया है और ए एन का वैल्यू दिया गया है। तो एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर से हमें बस वही फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पे ए एन का वैल्यू पुट कर ले, ए का वैल्यू पुट कर दे और डी का वैल्यू पुट कर दे और आप यहाँ पे एन वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 बना के देखे, नहीं बनता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस को मैं आप लोग को बना के दे दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन ए पी इफ डी इज इक्वल टू दिया गया है -4, एन का वैल्यू दिया गया है 7 और ए एन का वैल्यू दिया गया है 4। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन ए पी, ए का वैल्यू दिया गया है 3.5, डी का 0 है, एन का 101 है, देन ए एन विल बी। अब हमें यहाँ पे ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पुट करें, एन के जगह पे 101, ए के जगह पे 3.5 और डी के जगह पे 0 पुट करके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ए ऑप्शन है ये ए पी होगा और डी इज इक्वल टू -16 होगा, ए पी होगा डी का वैल्यू -4 होगा, ए पी होगा डी का वैल्यू 4 होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख ले कि डी का वैल्यू एग्जैक्ट कितना निकल रहा है। तो इसके लिए ए टू में ए वन को घटाएंगे तो -6 -10 इस तरह से हो गया, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए वन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और इधर -6 है और इधर 10 हो गया, तो ये दोनों घटाए तो कितना निकल गया 4। तो जब हम ए टू में ए वन घटाए तो हम लोग अब 4 निकला। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं ये 4 निकल गया। अब ए थ्री में ए टू घटा के देखते हैं क्या डी 4 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे ए थ्री के जगह पे -2 रखे, ए टू के जगह पे -6 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि डी अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है कि ये ए पी में नहीं होगा, क्योंकि ए पी में तभी हो सकता है जब कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सेम हो। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द 11th टर्म ऑफ द ए पी। तो सिंपल 11th टर्म हम लोग को निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आप पुट करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी। हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है ए पी का, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -2, इसका कॉमन डिफरेंस भी -2 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्टिंग का 4 टर्म्स के लिए ए फोर का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ए फोर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है द 21st टर्म ऑफ द ए पी। अब हमें 21st टर्म निकालना है। ठीक है, 21st टर्म, जिसमें से यहाँ पे दे दिया गया है कि स्टार्टिंग का जो 2 टर्म है वो दे दिया गया है -3 और 4। तो ये तो ए वन हो गया यानी कि फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे और सिंपली T21 निकाल लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह पे 21 पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी इज 13। सेकेंड टर्म दिया गया है 13, फिफ्थ टर्म दिया गया है 25, तो सेवेंथ टर्म क्या होगा। तो सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म के लिए हम लोग ए प्लस डी लिख सकते हैं इक्वल टू 13। इसी तरह से फिफ्थ टर्म दिया गया है, तो फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस हम 4d लिख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे एक कम करके लेना है, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी होता है, 1 कम होता है, तो 2 था तो हम कम कर लिए 1, तो d हो गया।
फाइव था तो वन कम कर लिए तो फोर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसका वैल्यू दिया गया था 25, यहाँ पे 25 कर ले और इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन चेंज कर लेंगे इस तरह से, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप डी का वैल्यू निकाल ले, जो भी निकलेगा इसको आप इक्वेशन वन मान ले, और यहाँ पे आप डी का वैल्यू पुट करके ए का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ए और डी का वैल्यू निकल गया तो सेवेंथ टर्म हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210, एपी का कौन सा टर्म 210 होगा। तो इसको आप ए एन ले लें, ठीक है। ए एन का वैल्यू 210, हम लोग का ए हो गया 21, डी हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग सिंपली जो है इसे एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एन जो हम लोग फाइंड करेंगे वही हम लोग का आंसर होगा। आगे 11th नंबर है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, यानी डी दे दिया गया है 5, ठीक है। ए एटीन माइनस ए थर्टीन का वैल्यू फाइंड करना है। ए एटीन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 17 डी, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो जाएगा और फिर से ए, और यहाँ पे अब माइनस आया तो ये ब्रैकेट में होता, ठीक है। तो हम ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया, और ए 13 था तो हम लोग यहाँ पे 12 डी लिखेंगे, ठीक है। एक कम हो जाता है, 13 है तो 12, यहाँ 18 था तो 17, ये ए कैंसिल। अब 17 में यहाँ पे हम लोग 12 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 डी। और डी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 5 दिया गया था, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी इसमें जो 25 दिया गया है यही आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, दो ए पी है मान के चले, इधर ये पहला ए पी है हो गया जिसका फर्स्ट टर्म -1 दिया गया है, और एक अदर का जो है फर्स्ट टर्म -8 दिया गया है, ठीक है। आगे देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स इज, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग उसी फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं, ए एन वाला जो फॉर्मूला होगा आप उसी फॉर्मूला पे पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से इसके सॉल्यूशंस का भी मैं नहीं बना रहा हूँ, कॉपी में आप लोग को इसके सॉल्यूशंस को मैं बता दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म विल बी। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए मुझे कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब मैं कॉपी से आप लोग को बताऊंगा तो उस टाइम आप लोग को ये दोनों ही क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से फोर्थ टर्म निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग कहता है L − N − 1 × D। तो लास्ट टर्म हम लोग का हो गया 49 माइनस एन का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है, तो 4 हो गया, 4 − 1 और डी डी ये दोनों घटा लेते हैं तो −8 −−11, तो −−+ हो गया, 11 8 गया तो 3 हो गया। तो इसको इसको हम लोग घटा लिए तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 3 3 = 9, 49 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट 6 टर्म्स के लिए, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n − 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पे डी होता है, ये सम का फॉर्मूला होता है। वैल्यू बस आप लोग पुट कर दे, ए का कॉमन डिफरेंस डी का जो भी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। आगे 17 नंबर है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, अब हमें फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है, ए पी यहाँ पे दिया गया है यानी कि ए मिल जाएगा आप लोग को यहाँ से, कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा, तो ए और डी मिल गया, तो फिर से हम एस एन का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, n/2 2a + n − 1 × d वाला फॉर्मूला यूज करके। आगे 18 नंबर है, इन एन ए पी ए का वैल्यू दिया गया है, ए एन का वैल्यू दिया गया है और एस एन का भी वैल्यू दिया गया है, तो एन हमें अब फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन का जो वैल्यू दिया गया है
20, तो ए एन वाला जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, वहां पे ए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। फिर एस एन का जो वैल्यू दिया गया है 399, इसका फॉर्मूला में हम लोग जो होता है वो लिखेंगे, दो इक्वेशन आएगा, दोनों को जो होगा इक्वेट करेंगे, तो उससे हम लोग जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एन का। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को कॉपी में बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें। आइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 3। बेसिक मैथ्स सुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं आप लोग को कॉपी में बताऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे है जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 और एक आखिरी क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो दोनों ही का सॉल्यूशन मैं आप लोग को कॉपी में बताऊंगा बहुत ही जल्द। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें।